सारे हिंदूवादी और जितने भी गोरक्षक हैं बैल को कह रहे हैं बैल भी हमारा बाप है, बैल भी हमारा बाप है। मौसी है, दूध वो भी देती है, काम वो भी करती है, तो बैल को बाप बना दें तो मैं गाय माता मान लेता हूँ, क्योंकि बाप भी तो होगा ना कहीं ना कहीं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। गाय माता 5-star होटलों में क्यों कट रही है और क्यों परोसी जा रही है? उनकी गाय माता मतलब आपकी गाय माता नहीं, आप नहीं मानते? तो फिर बैल हमारा बाप होगा क्या? तो फिर बैल हमारा बाप होगा क्या? कि जो काम का आदमी है उसको रख लिया, जो काम का नहीं है उसको निकाल दिया। गाय अच्छी है तो गाय को रख लो, क्योंकि बीफ एक्सपोर्ट में नंबर वन बनाना है, बीफ एक्सपोर्ट में नंबर वन बनाना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक तरफ गाय को आप माता कह रहे हो, दूसरी तरफ जेपी का ये कह दे, क्या कहते हैं, मैं गौ मांस खाता हूँ, तो वो क्या माता मानता है क्या? जब भाजपा के लोग जो प्रपंच रचते हैं वो माता नहीं मानते, आपकी माता कहाँ चली जाती है? आपकी माता कहाँ चली जाती है? ये बड़ी अच्छी बात है। आप उत्तर प्रदेश में गाय को माता कहो, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में माता कह दो, आप जहाँ माता कह दो। ये सारे हिंदूवादी और जितने भी गोरक्षक हैं बैल को कह रहे हैं बैल भी हमारा बाप है, बैल भी हमारा बाप है। अमित शाह कह रहे हैं देश में गौ मास पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, प्रतिबंध नहीं लगेगा। जो माता मानते हैं वो कहाँ गए? अगर मैं माता मानता होता ना तो इन लोगों की गर्दन उतार देता, इन लोगों की गर्दन उतार देता। तू समझा? और आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, सरकार पर वार करो। ये सरकार ने तमाशा बना रखा है देश में, एक मिनट में चाहे गाय को राष्ट्रीय पशु बनाकर उसको सुरक्षित कर सकती है, लेकिन धंधा कैसे चलेगा इनका, जो धर्म का धंधा मचा रखा है, पाखंड मचा रखा है। अप्पू आ रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ पूरे देश के अंदर मंदिर बना दो ना यार, हर घर में मंदिर है, हर घर में मंदिर है, जरूरत क्या है अलग अलग से मंदिर बनाने की? सनातन धर्म के अंदर साम वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, चार वेद हैं, और चारों वेदों में कहीं मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो बैल को बाप बना दें, मैं गाय को माता मान लेता हूँ, मैं गाय को माता मान लेता हूँ। ये सारे हिंदूवादी और जितने भी गोरक्षक हैं बैल को कह रहे हैं बैल भी हमारा बाप है, बैल भी हमारा बाप है। कैसे कैसे लोग रहते हैं। मौसी है, दूध वो भी देती है, काम वो भी करती है, तो बैल को बाप बना दें तो मैं गाय माता मान लेता हूँ, क्योंकि बाप भी तो होगा ना कहीं ना कहीं, क्योंकि बाप भी तो होगा ना कहीं ना कहीं। समझ रहे कैसे लोग रहते हैं यार।